सुखी ये देखो, दीपक, पूनम, संजना, जल्दी आओ जल्दी आओ। दीपक, सुखी, पूनम, संजना और उषा से मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, इसलिए मैं फांसी ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एवरी मंथ की तरह आज भी हम एक्टिविटी डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन आज हमारे बीच एक स्पेशल गेस्ट हैं, दुनिया के मशहूर कॉमेडियन, पंजाबी कलाकार शुगली जुगली जी। जोरदार ताड़ियों के साथ उनका स्वागत करें, मिस्टर शुगली जुगली जी। सो मैं हमारे गेस्ट शुगली जुगली जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आएं, और साथ ही मैं हमारे स्कूल के चेयरपर्सन मिस्टर अमित शराफ जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनको ऑनर करें। तो मैं हमारे आज के गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि दो मिनट आप बच्चों के लिए कुछ प्लीज। ये बताइए कि अगर हम पंजाबी में बोलते हैं तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? अगर अच्छा लगेगा तो जोरदार ताड़ियां मार दो। तो शुगली जी, मैं जेड़ी गल करना चाहता सीगा कि तुसी जिथे भी जाते हो हमेशा लेट, हमेशा लेट, हमेशा लेट, मतलब आज क्यों लेट हो गए तुसी? लेट दा कारण है जी कि मेरे दादी जी हो गए ढिले। दादी जी ढिले हो गए ते मैं उन्हें लेके चला गया हॉस्पिटल। दादी जी नू? हाँ, पिंड दे अस्पताल लेके गए ते डॉक्टर साहब कहंदे तुहाडे दादी जी ज्यादा ढिले, इन्हां नू लुधियाने लै जाओ CMC। अच्छा, कल चला गए? दादी का मंजा चुके थे, उन्होंने CMC लुधियाने ला गए। मंजे थे लुधियाने जाके डॉक्टर कहते ने ज्यादा ही ढिले तुहाडे दादी जी। अच्छा, इन्हां नू तुसी PGI चंडीगढ़ ले जाओ। PGI चंडीगढ़? जदों PGI चंडीगढ़ पहुंचे, अच्छा, डॉक्टर कह लगे तुहाडी दादी ज्यादा ढिली है। हां, इन्हां तुसी दिल्ली अपोलो चला जाओ। मंजे ते ही? मंजे ते ही। कमाल हो गई। अच्छा, उस तो बाद अपोलो हॉस्पिटल वाले कहन लगे तुहाडी दादी ज्यादा ढिली है, कहंदे इहनू कनेडा ले जाओ। मैं मंजा चुकिया अपनी दादी नू कनेडा लै गया। कनेडा? आज हमारी पहली परफॉर्मेंस है शब्द की परफॉर्मेंस। तो हमारे अगले परफॉर्मर हैं संजय। चल आया तेरा टाइम कुछ करने का, हाँ लड़ने का, सपनों को पूरा करने का, तो कहे डरने का, खिलाड़ियों को डर नहीं होता बेटा कभी भी हम मरने का। हमारे अगले परफॉर्मर हैं रोहित बैंस। चांदियां दे वर्गे बेशक हाँ, नम सोने चले खा के हटांगे, छोटे छोटे घरां विच उठियां अजे बोते अगे जाके हटांगे। सो हमारे अगले परफॉर्मर आ रहे हैं ज्योति। तेनू हरे गल दसांगे, अखा च वसा के माया, तेरे नाल ही हसांगे, अखा च वसा के माया, तेरे नाल ही हसांगे, लगी खुशियां दी चिड़िया ने, लगी खुशियां दी चिड़िया ने, रब ने मिलाया जुड़िया अज शगना दी कड़िया ने।
अमनदीप सिंह। मरते मरते रहा बाके बन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। अभिशांत वर्मा। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी अंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। हो 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 हो, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी दिल की। हितेश कुमार। चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला। गुरकीरत सिंह। आज पंजाब च नशा पिया चलदा है, हर गबरू इस नशे च पिया चलदा है, अपने मापियां दा कर जरा ख्याल, आज दे नौजवान अपने विरसे नू संभाल। एंड द नेक्स्ट इज मौलिक। आस्था। लक्ष्य। सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारे सामने लेकर आ रहे हैं ग्रुप डांस। बैठो बैठो बच्चों, कोई भी सपना ना होगा पूरा, बिना ज्ञान सब कुछ अधूरा। बच्चों मेरा नाम मंजीत सिंह है, आज आपके स्कूल में मेरा पहला दिन है। वैसे तो स्वभाव का मैं बड़ा नरम हूँ, पर डिसिप्लिन का मैं बहुत पक्का हूँ, और खास करके लेट आने वाले बच्चे को मैं कभी माफ नहीं करता। और मेरी इस स्कूल में बदली भी इसी कारण हुई है। मैं 100 बार स्कूल बदल सकता हूँ, पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। सो बी केयरफुल, कोई लेट ना आए। ये हुई मेरी इंट्रोडक्शन, और अब आपकी बारी इंट्रोडक्शन और हाजिरी की। रोल नंबर 1 दीपक। यस सर।
आपके पापा क्या करते हैं बेटा? लीडर है सर। ओके बैठ जाओ। रोल नंबर 2 सुखी। यस सर। रोल नंबर 3 उषा। रोल नंबर 4 पूनम। यस सर। आपके पापा क्या करते हैं बेटा? सर मेरे मम्मा पापा का डिवोर्स हो गया है, पापा हमारे साथ नहीं रहते। सॉरी, बैठ जाइए। रोल नंबर 5 संजना। यस सर। रोल नंबर 8 नव। यस सर। रोल नंबर 9 दिया। यस सर। बेटा आपके पापा क्या करते हैं? सर स्कूल चलाते हैं। ओके बैठ जाइए। रोल नंबर 10 सिमरन। यस सर। मंगलू, हर रोज की तरह आज फिर तुम लेट। ऊपर से बच्चे भी बहुत कम आए हुए हैं, और तो और प्रिंसिपल सर भी गुस्से में है। टाई भी तुमने सही नहीं लगाई हुई, क्या कर रहा है यार? अंदर जाएगा तो मार खाएगा। जाने दो अब। जा चले जा, जा खा मार। रोल नंबर 47 राजू। यस सर। रोल नंबर 56 मंगू। रोल नंबर 56 मंगू, कोई बोलता क्यों नहीं? रोल नंबर 56 मंगू। सर उसका नाम बार बार मत लीजिए, वो कभी स्कूल टाइम पर नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं आएगा। सर मैं आई कम इन। सर मंगू आ गया। इधर आओ। टाइम देखा है, आज फिर लेट। मुझे पता चला है तुम रोज लेट आते हो। ये जो बाकी स्टूडेंट टाइम पर आए हैं बेवकूफ हैं के? तुम ही सयाने हो, ये सब बेवकूफ हैं जो टाइम पर आ रहे हैं। आज सैटरडे है, किसी बच्चे ने यूनिफॉर्म नहीं डाली और तुम यूनिफॉर्म डाल के आ रहे हो। सब काम उल्टे। चलो यूनिफॉर्म को छोड़ दो, पर लेट मैं इन सब स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन लेट आने वाला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं आगे से लेट आना कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वैसे आपके पापा क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं। तो करनी तो तुझे भी मजदूरी ही है। गेट आउट। और आज सिर्फ वापिस भेज रहा हूँ, कल मार भी पड़ेगी और वापिस भी भेजूंगा। गेट आउट। ओके सर। भैया जल्दी आ गए स्कूल से। हाँ यार जल्दी आ गया। खाना खाओगे क्या? नहीं खा के आया हूँ। किसने खिलाया? वहाँ वो मास्टर जी ने खिला दिया था। क्या खिलाया? डांट। भाई स्कूल से जल्दी मत आया करो, मम्मी परेशान हो जाती है। ठीक है। सॉरी सर, सॉरी सर। रोल नंबर 55। यस सर। ये क्या कर रही है? बोलो, क्लास में खाने आते हो? आप क्या कर रहे हो? सीधे होके बैठो। बंटी खड़ा हो, तू कल नहीं आया था ना, खड़ा हो जा, हाथ ऊपर कर ले, खड़ा रह ऐसे। रोल नंबर 56 मंगू। कल से पक्का टाइम पर आ जाओ। मुझे नहीं पता, घर जाओ। सॉरी सर, कल सर पक्का टाइम पे आ जाओ। टाई भी नहीं सही लगाई और ना ही बेल्ट लगाई। कोई बात नहीं। चला। मंगू। सर वो आज फिर नहीं आया। आज मैं उसका इंतजाम करके आया हूँ, आज मैं उसके लिए डंडा लेकर आया हूँ, आने दो उसे। चल जल्दी चल। थैंक यू सर। आजा, तेरी बेटी हो रही थी। आजा आजा। क्या बात, आज फिर लेट? कल से। मैंने तेरे को कल बताया था ना, कल लेट था, आज फिर लेट। हाथ कर आगे। सर कल से। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, हाथ कर आगे। कल से टाइम पे आऊंगा। कल से तो तू अपने आप ही टाइम पर आएगा बेटा। सर सॉरी। नहीं सर कल से। हाथ कर आगे। नहीं सर। ये हाथ कर इधर। कुछ कह ना सके, जल्दी आ भी ना सके। हाय कैसी
है किस्मत खराब हाय अनोखा मजा अनोखा मजा अनोखा मजा खाया ससे मार आगे से लेट हुआ तो मैं अपना दरवाजा भी नहीं खोलूंगा तुम्हारे लिए चल चले जा अभी तक घर नहीं गया तू नहीं मैं घर नहीं जा सकता क्यों माँ परेशान होगी बेटा मंगू का घर किधर है थैंक यू बेटा पापा ये मैं कर देती हूँ बेटा कल तुम्हारा पेपर है पढ़ाई करो ठीक है पापा लगता बैंक वाले आए हैं किश्त लेने मंगू का घर यही है हाँ जी नमस्कार सर नमस्कार सर मैं मंगू के स्कूल से मंगू का नया मास्टर हूँ मास्टर जी बैठिए बैठिए मास्टर जी अगर फीस लेने आए हो तो इस महीने माफ कीजिएगा अगले महीने में जुर्माने के साथ जमा करवा दूंगा मजबूरी है क्या मजबूरी है आपकी मास्टर जी मेरी पत्नी को कैंसर है कैंसर मैं बच्चे संभालूं काम पे जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है अब तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए हैं कोई बात नहीं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मंगू की फीस माफ करवा सकूं और अगर हो सका तो मैं उसका वजीफा भी जरूर लगवाऊंगा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरी तो ये हालत है मैं आपको चाय भी नहीं पूछ सकता नहीं नहीं इस बात के लिए शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है सर क्या मैं मंगू की माता जी से मिल सकता हूँ मास्टर जी उसकी माँ को नहीं बताया कि उनको कैंसर है आप भी किसी से मत बताइएगा आपकी मेहरबानी होगी नहीं नहीं आप बेफिक्र रहें मंगू नहीं दिखाई दे रहा मंगू कहाँ है वो तो स्कूल चला गया है जल्दी चला जाता है स्कूल हाँ कहता है कि अच्छे पढ़ने वालों को जल्दी बुलाते हैं अच्छे पढ़ने वाले को कमाल है घर से जल्दी चले जाता है स्कूल रोज लेट आता है कहाँ जाता होगा कोई बात नहीं सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो मदद हो सकी जरूर करूंगा बहुत मेहरबानी नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा मैं चलता हूँ ना खबर थी मुझको तू था इतना मजबूर लेट आने ना दूंगा झूठा मेरा गुरु हाय कैसा हुआ मुझसे पाप अनोखा मजा अनोखा मजा अनोखा मजा ज
जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलिया, अभी तक तो तुम्हारे सर भी नहीं आए हुए हैं। चले जा, चले जा, शाबाश, जा जा। May I come in, sir? Yes. उदास लग रहे हो? नहीं सर, उदास लगने की बात नहीं है सर। मैं ना, हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट है मंगू, मैं उसके घर जाकर आया हूँ सर। बहुत प्रॉब्लम है वो परिवार, उसके मम्मा को कैंसर है, दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं है, खाना बेचारे कभी खाते हैं कभी नहीं खाते सर, बहुत प्रॉब्लम में है। हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा सर। सर मैं ऐसे ही डिसिप्लिन में रहना है, लेट नहीं आना। मैंने सर सच में आज टूटता हुआ अपना गुरूर देखा सर, आंख भर आई मेरी जब मैंने मंगू को इतना लाचार और मजबूर देखा सर। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा सर हमें। सर चाहे तो आप उसकी फीस मेरी सैलरी से काट लें, चाहे उसकी फीस स्कूल की तरफ से माफ करवा दें, लेकिन सर कुछ करवाना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। बहुत नीडी है सर वो, बहुत नीडी है। या तो मैं उसकी फीस माफ करवाऊंगा या अपनी पॉकेट से दूंगा। तुम उसके पैसे क्यों दोगे? जाओ ढूंढो और भी जो गरीब बच्चे हैं, हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू सर। सर नहीं बेटा, आज तू मुझे मारेगा। नहीं सर, मैंने गलत कहा था बेटा, तू मजदूरी करेगा, तू बहुत बड़ा अफसर बनेगा, तू जैसा होनहार बेटा तो सबके हो। बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं सर, नहीं, आज तुम्हारी बारी है, आज तू मुझे मारो, मैं लेट आया हूँ बेटा। नहीं, मैंने तुझे बहुत मारा है, आज तुम्हारी बारी है। नहीं सर, नहीं बेटा, आज सच में तू मुझे मारेगा, आज तू मारेगा मुझे। बाबा गेम तो पुठी पै गई, हुण की करांगे? कोई बात नहीं, कुछ तो करते हैं। बच्चों आज मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताऊंगा। एक्सक्यूज मी, हेलो मंजीत सर। हाँ जी, जो कल आपने सैंपल भेजे थे ना टेस्ट के लिए बच्चों के, यस सर, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, प्लीज किसी बच्चे को भेज के मंगवा लीजिए। ओके सर, ओके ओके, कोई बात नहीं सर, मैं अभी भेजता हूँ बच्चों को। थैंक यू। बच्चों जो स्कूल में टेस्ट हुए थे आपके लेबोरेटरी में, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो सबसे पहले आपने अपने मम्मा पापा को दिखाना है, सबने अपने अपने मम्मा पापा को, तो जाओ आप रिपोर्ट्स ले आओ। ठहरो ठहरो, आप सारे कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों जाओ जाओ। हाँ जी बच्चों, कल आपने सभी ने सोलर सिस्टम पे अपनी एक एक असाइनमेंट रेडी करके लानी है, किसी का किसी भी तरह का। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। डाउन सी डाउन, बैठो बैठो बैठो। मंगू इसी क्लास में है? मंगू, आप में से किसी को पता है मंगू कौन सी क्लास में है? मैं मंगू तो इधर साथ वाली क्लास में पढ़ता है। ओके ओके, बैठो बैठो। आपकी क्लास में कोई फाइनेंशियल वीक बच्चा है तो मुझे ऑफिस में आके मिलो। ओके कंटिन्यू। ओके थैंक यू सर। अभी आपके सर बोल के गए हैं किसी भी बच्चे को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सर के साथ ऑफिस में जाके मिल सकते हैं। दूसरा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे अपनी असाइनमेंट के रिगार्डिंग, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है असाइनमेंट से तो मेरे से अभी क्लियर कर लें, लेकिन कल को किसी का होमवर्क के रिगार्डिंग कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। वेलकम, आइए सर। तो आपने मंगू के बारे में बात की थी, कहाँ है मंगू? वोरा सर, आइए मिल लीजिए सर। मुझे पता लगा है तुम्हारे बारे में, ऑफिस में आके मिलना मुझे,
आ गए बच्चे? हाँ जी सर। बेटा ये रिपोर्ट जाकर मंजीत सर को दे देना। ओके सर। ओके। अरे यार सर ना मंगू को अच्छा बच्चा समझने लगे हैं। हाँ? उसकी तो बोलती बंद करनी पड़ेगी। करे क्या, अब उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल है। हम कर देते हैं ना अब नॉर्मल। चलो चले कंटीन। ए उषा जल्दी आजा, वो दोनों आ गए। हाँ मैं आई आई। हम सबकी रिपोर्ट नॉर्मल है। और मंगू की? मंगू की है तो नॉर्मल, बट अब नॉर्मल कर देंगे। और वो कैसे करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मैं चुटकी में उसकी रिपोर्ट चेंज कर दूंगी। जो भी करना है जल्दी करो। वो देखो मंगू आ गया, जल्दी से रिपोर्ट को एडिट करो। और उसको खुशखबरी भी देनी है ना, उसको कैंसर है। एक बुरी खबर है यार, तुम्हें कैंसर हो गया। क्या? खेल कैसे खेले, किस्मत भी अनोखे, साथी अक्सर दे देते हैं धोखे। वक्त भी देगा उनको जवाब, अनोखा मजाक, अनोखा मजाक, अनोखा मजाक, अनोखा मजाक। मंगू इतना उदास क्यों रहते हो? यार राजू, सुखी और उसके दोस्तों ने बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है, मेरी माँ को भी ब्लड कैंसर है, हम गरीब हैं, मैं मर जाऊंगा। मंगू मंगू, तुम में से किसी ने मंगू को देखा? नहीं नहीं हमने नहीं देखा। ना ना हमने नहीं देखा। क्या बात है? वो तो मरने चला गया, कहता मुझे ब्लड कैंसर है। हमने तो मजाक किया था। ओ यार तुमने कहीं मंगू को देखा? नहीं। ओ यार सुखी और उसके दोस्तों ने मंगू को कह दिया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, वो टेंशन में मरने चला गया। क्या? सुखी ये देखो, दीपक पूनम संजना जल्दी आओ जल्दी आओ। दीपक सुखी पूनम संजना और उषा से मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, इसलिए मैं फांसी ले रहा हूँ। यार मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, इस तरह का फालतू मजाक नहीं करना चाहिए था हमें। यार अब तो प्रॉब्लम होगी, अब तो प्रिंसिपल सर को पता लग जाएगा, घर वालों को पता लगेगा तो क्या होगा हमारा। चलो जल्दी भाग चलते हैं, जल्दी से पीछे वाले गेट से।
गलती तो हमारी थी, अब छुपने से क्या फायदा। जो भी सोचना है जल्दी सोचो यार, बस अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घबराओ नहीं, मैं जिंदा हूँ। मंगू तुम जिंदा हो? ये सब कैसे? मंगू तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। ये कैसा मजाक है मंगू? तुमने कौन सा छोटा मजाक किया था? तुम्हें इतना बड़ा मजाक नहीं करना चाहिए था। मंगू ये क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है मैं अभी बताता हूँ। कांता आ जाओ। कांता और इन सब ने मिलके मेरी मदद की। मैं मरने जा रहा था, राजू तुम तीनों को बताने गया और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। फिर जैसे तुमने हमें बेवकूफ बनाया, वैसे ही हम सब ने मिलके तुम्हें बेवकूफ बना दिया। और वो जो पंखे पे लटका वो कौन था? अरे वो राजू के पापा की यूनिफॉर्म की दुकान है ना, वहाँ से राजू पुतला ले आया था और वो लटका दिया। तुम्हें किसने बताया रिपोर्ट मैंने चेंज की? इन लोगों ने। ये मेकअप किसने किया? दिया ने। आज हम सब कसम खाते हैं, मजाक करना गलत नहीं है, मगर कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। यार इस बात को छोड़ो सभी, आपको क्या एक्साइटिंग न्यूज़ बताऊं? कल से स्कूल की एक महीने की छुट्टी। आई एम जस्ट जोकिंग मैन। छोड़ो यार गाल पे मिट्टी पाओ। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।